कल साय सरकार की तरफ से उपहार मिलेगा। तीजा पूरा पर महतारी बंधन योजना की किश्त होगी जारी। सातवीं किश्त जारी करेंगे सीएम साय। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर हो जाएगी, जिसे महिलाएं अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और सातवीं किश्त यह है जो कि इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिलाओं के खाते में जमा करेंगे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी है, मोदी की गारंटी के रूप में हम महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को दे रहे हैं। और माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ा पर्व तीजा का पर्व आने वाला है, तो निश्चित रूप से तीजा के पर्व पर हमारी माताओं बहनों को उपहार मिले, तोहफा मिले। बस्तर में नक्सलियों के पनाहगार और नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क को लेकर सुरक्षा बल नजर बनाए हुए हैं। अब बस्तर पुलिस सिर्फ नक्सलियों को नहीं बल्कि उनका साथ देने वाले हिमायती लोगों का डाटा तैयार कर रही है। बस्तर आईजी ने ऐसे सफेदपोश लोगों के लिए चेतावनी भी दी है। देने के लिए उनका कोशिश रहते हैं, साथ साथ उनके जो अर्बन सिस्टम में भी उनके सहयोगी हैं, उनके पक्ष में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सप्लाई नेटवर्क है। इस प्रकार विषय को भी हम लोग लगातार फोकस करके पूर्व में भी कार्रवाई किया, आने वाले समय में इस पर और फोकस रहेगा ताकि माओवादियों के इकोसिस्टम में पूरी तरह से इसमें नष्ट हो। खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों की साजिश बेनकाब हुई। जवानों ने आईईडी को किया निष्क्रिय। नक्सलियों के निशाने पर थे जवान। बीडीएस की टीम ने 4-4 किलो के 3 आईईडी को नष्ट किया है। 10-10 मीटर की दूरी पर ये आईईडी प्लांट किए गए थे। एक बार फिर से जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने इन आईईडी को प्लांट किया था और इससे नक्सलियों को नुकसान पहुंचे। 10-10 मीटर की दूरी पर ये प्लांट किए गए थे। हालांकि जवानों ने इन्हें ढूंढ निकाला और तुरंत इन्हें निष्क्रिय किया। देखिए, आपको एक बार फिर से आवाज सुनाते हैं, जहां 10-10 मीटर की दूरी पर 3 आईईडी प्लांट किए गए थे और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किए गए थे, जिन्हें सुरक्षा जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। और अब बात करेंगे स्वाइन फ्लू के कहर की। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हो गई है। 90 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज। स्वाइन फ्लू के 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव केस की संख्या 46 पहुंची है। जिले में अब तक 107 मरीज सामने आ चुके हैं। इलाज के दौरान 6 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। खबर बिलासपुर से, जहां सेज बहार हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। बबलू उर्फ इरफान की हत्या के मामले में फैसला आया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया। रायपुर सेज बहार में 2017 में हुई थी हत्या। ट्रायल कोर्ट ने चारों को दोषी ठहराया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर सेज बहार हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। बबलू उर्फ इरफान की हत्या के मामले में फैसला आया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया। रायपुर सेज बहार में 2017 में हत्या हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने चारों को दोषी ठहराया था। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर दौरे पर हैं। वे यहां अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे। सत्र 2022-23 के विभिन्न संकायों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों को 92 स्वर्ण पदक दिए गए। इसी मौके पर 48 शोधार्थियों को PhD की उपाधि दी गई। विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि के लिए भी 4 लोगों का चयन किया और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा सहित 4 लोगों को मानद उपाधि दी गई है। और अब बात उस खबर की जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जहां भगवान के साल भर के काम का आंकलन किया जाता है। दरअसल बस्तर के केशकाल में गांव में देवी देवताओं के साल भर के कामकाज का आंकलन होता है। असली और नकली की पहचान की जाती है। खराब परफॉर्मेंस वाले भगवान को उनके गलती के हिसाब से सजा दी जाती है। सजा पूरी होने के बाद देवी देवताओं की वापसी होती है। दरअसल भंगाराम देवी इलाके के 9 परगना के 55 राजस्व ग्रामों में स्थापित सैकड़ों देवी देवताओं की आराधना
आराध्या देवी हैं। यहाँ पर हर साल भाद्रपद के महीने में यात्रा आयोजित की जाती है। हर साल ग्रामवासी अपने अपने ग्राम के देवी देवताओं को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ जहाँ एक देव अदालत लगती है जिसमें आरोपी देवी देवता होते हैं और ग्रामवासी फरियादी होते हैं। इस देव अदालत में सभी देवी देवताओं की पेशी की जाती है और जिस देवी देवता के खिलाफ शिकायत होती है उसकी फरियाद भंगाराम देवी से की जाती है। एक तरह से भंगाराम माई का दरबार सुप्रीम कोर्ट की तरह होता है। मंदिर के पास से खुला जेल है जहां सजा पाए देवी देवताओं को यहीं पर कैद किया जाता है। आपने जेल कई देखे होंगे पर ये वो खुला जेल है जहां पर देवी देवताओं को सजा दी जाती है और इस जेल से कोई कैदी बाहर नहीं निकल पाता जब तक भंगाराम माई की अनुमति ना हो। आप देख सकते हैं कि गांव के जो कई देवी देवता हैं जिन्हें लाकर यहां पर छोड़ दिया गया है, यानी ये जेल की सजा अपनी सजा काट रहे हैं और इनके भाग्य का फैसला भंगाराम माई करती है और जब वो फैसला इनके पक्ष में आता है तभी उन्हें जेल से मुक्ति मिलती है। तो ये है वो अनोखा खुला जेल जहाँ पर देवी देवताओं को कैद की सजा मिलती है। मुंगेली में 10 फीट का अजगर आने से हड़कंप मच गया। अजगर एक बकरी का शिकार करने आया था। ग्रामीणों ने इस खतरनाक सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद अजगर को आगर नदी में छोड़ दिया गया है। काफी देर तक अजगर पुल की रेलिंग में ही लटका रहा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। दरअसल बकरी का शिकार करने के लिए अजगर आया हुआ था और जब लोगों ने इसे देखा तुरंत स्नैक कैचर को बुलाया गया जहाँ इसे पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया गया। खबर अंबिकापुर से। चलती स्कूटी में आग लगने का मामला सामने आया। छात्रा ने स्कूटी रोककर अपनी जान बचा ली। बाल बाल बची छात्र की जान। आग लगने के कारण फिलहाल पता नहीं चल पाए हैं। कॉलेज से घर जा रहा था छात्र और इसी दौरान अचानक से स्कूटी में आग लग गई और ये तस्वीरें देखी। हालांकि जैसे ही छात्र को पता चला उसने तुरंत इस स्कूटी से कूद कर अपनी जान बचा ली। एक बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई झुलसा नहीं है। गनीमत रही कि छात्र ने पहले ही देख लिया कि स्कूटी में आग लगी। इसके पहले कि कोई ब्लास्ट या और भी कोई घटना होती पहले ही छात्र स्कूटी से दूर हो चुका था। स्कूटी सामने देखते ही देखते पूरी जलकर खाक हो गई। वही बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रामानुजगंज कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य आरबी सोनवानी को हटा दिया गया। कॉलेज की छात्रा से अभद्र व्यवहार और अश्लील इशारे करने पर दर्ज हुआ है केस। एबीवीपी और एनएसयूआई कर रहे थे प्रिंसिपल को हटाने की मांग। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का असर हुआ है। खबर बिलासपुर से जहां ट्रेन यात्रियों को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 18 ट्रेनों को रद्द किया गया। 10 से 22 सितंबर तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। कनेक्टिविटी के काम के कारण ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। हावड़ा, टाटानगर और रायगढ़ के यात्रियों को होगी परेशानी। 5 ट्रेनों का रूट बदला गया। पिछले 3 महीनों में 350 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं और इसके चलते खासतौर पर यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, नुकसान भी उठाना पड़ता है क्योंकि इस जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं उसके तो रिफंड हो जाएंगे लेकिन जो अगली ट्रेनें हैं जिस पर वो नहीं जा पाएंगे या जो आगे उनकी कनेक्टिविटी है अगर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको आर्थिक नुकसान भी होता है। गरियाबंद से खबर है जहां अवैध तरीके से चल रहे 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। देवभोग एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे क्लिनिक। कार्रवाई से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गरियाबंद से जहां पर अवैध तरीके से चल रहे 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। देवभोग एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल ये सभी क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। कार्रवाई से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर बिलासपुर से। रतनपुर के खारंग नदी के तेज बहाव में छात्र लापता हो गया। लखराम एनिकट में कूदा था 11वीं क्लास का छात्र। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। लापता छात्र चौराहा देवरी का रहने वाला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी बिलासपुर से। रतनपुर के खारंग नदी के तेज बहाव में छात्र लापता हुआ। लखराम एनिकट में कूदा था 11वीं का छात्र। वहीं बिलासपुर में बिजली गिरने से 7 मजदूर झुलस गए। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई गई है। मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरी थी और इस बिजली गिरने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। तो वहीं
एक मजदूर की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। 7 मजदूर इसमें झुलसे थे और इन दिनों बिजली गिरने की जो खबरें हैं सामने आ रही हैं, बिलासपुर का पूरा मामला है जहां पर लगातार बारिश होने के चलते बिजली गिरी और इसमें 7 मजदूर झुलस गए। खबर जगदलपुर से जहां पर बस स्टैंड पर लाखों का गांजा पकड़ा गया है। गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ओडिशा से लाया गया था गांजा, रायपुर जाने के लिए कर रहा था बस का इंतजार। दंतेवाड़ा का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। तस्करी का नेटवर्क खंगालने में पुलिस जुट गई है कि आखिरकार इन तस्करों के कहां कहां तक तार जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लाखों का ये गांजा बरामद किया गया है और तस्कर कितने संख्या में हैं, जो कि काम करते हैं, इनके गैंग में कुल कितने लोग शामिल हैं, तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर पेंड्रा से मरवाई के जंगल में हुई दंतैल हाथी की वापसी। कटघोरा के पसान से नाका होते हुए पहुंचा।